जी मैं देखती हूँ। हेलो राधे कृष्ण, कैसी हैं आप? क्या कम, लेकिन ऐसे अचानक? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये सब कब तय हो गया? जी खुशखबरी है। अच्छा कौन था? अलका दीदी का फोन था, बबलू का ब्याह तय हो गया है। अच्छा अरे उसकी बात तो मुन्ना के ब्याह के समय ही पक्की हो गई थी। हाँ। लेकिन बबलू के काम की वजह से ब्याह टलता रहा, अब देखिए अचानक सब कुछ तय हो गया है। ब्याह परसों ही है। हाँ? अच्छा? जी मुझे भी अजीब लगा, दीदी माफी मांग रही थी कि ऐसे अचानक सब कुछ तय हो गया। वो इसलिए कि परसों तारीख बहुत अच्छी है और लड़की के पिताजी अगले हफ्ते कनाडा जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि विलायत जाने से पहले बेटी को विदा कर दें। दीदी ने आप सबको आमंत्रित किया है। कह रही थी कार्ड का इंतजार मत कीजिएगा, फौरन चले आइए बेटे को आशीर्वाद देने। छोटी दिले बहुत अच्छी खबर दी तूने, लेकिन हम सब कैसे जाएंगे? हाँ मैं भी यही सोच रहा था। पिताजी हम कैसे जा सकते हैं, हमें तो खुद यहाँ तैयारियां करनी है नंदिनी बिटिया के ब्याह की। जी वही मैंने भी कहा, इतनी जल्दी तारीख तय करेंगे तो रिश्तेदार कैसे पहुंचेंगे, और हम तो जा ही नहीं सकते। दीदी कह रही थी कि कोशिश करो। राज बना जी, तू एक काम कर, तू छोटी दुल्हन ने अपने साथ ले जा। ना ना सुन, ये है कि मारे घर से उस विवाह में कोई ना कोई जाना चाहिए। अरे बबलू छोटी दुल्हन का भांजा है, जे ना जावे अच्छा ना लगता। तुम्हारे दादाजी सही कह रहे हैं, तुम दोनों हो आओ। नहीं नहीं भाभी माँ, हमारे घर में भी तो ब्याह है, हम कैसे जा सकते हैं सारा काम अधूरा छोड़कर? हम नहीं जाएंगे, अब उन्होंने ऐन मौके पर बुलाया है तो वो भी समझेंगे। समझेंगे समझेंगे, हमारे घर में ऐसी कोई मजबूरी ना है कि कोई जा ना सके। इधर बहू है, हरी भाभी माँ है, ये लोग संभाल लेंगे। हाँ माँ हम सब संभाल लेंगे, आप जाइए। और अलका बहन से कहना शादी के बाद तुरंत बहू को लेकर यहाँ चली आए, तो हम भी उसे देख लेंगे, आशीर्वाद भी दे सकेंगे और वो भी हम सब से मिल लेगी। हाँ इस बार आने दो बबलू को, मेरी शादी में उसने मुझे बहुत चिढ़ाया था और इस बार मेरी बारी, भाभी के सामने सारी पोल खोल दूंगा उसकी। एक बार आ तो जाए। जी तो ठीक है, दो दो ब्याह हो रहे हैं, बहुत अच्छा समय है भाभी माँ। बहू तुम सब कुछ संभाल लोगी ना? माँ आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा, और भाभी माँ है ना? हाँ माँ हम भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, आप जाइए। अब ज्यादा मत सोचो, तैयारियां शुरू कर दे जा। तो ठीक है दादाजी, मैं टिकट का इंतजाम करवाता हूँ। कुछ तो बोलिए, आप ऐसे चुप चुप से क्यों हैं? वर्षा वो जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे सुलझाऊं। अगर ये काम भी नहीं हुआ ना तो। शौर्य आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर कोई मुश्किल है तो उसमें किसी से सलाह लेने में क्या हर्ज है? कोई तो होगा जो आपको बेहतर समझ सके, जो आपको इस मुश्किल से बाहर निकाल सके। इससे पहले भी आपने किसी न किसी से तो सलाह ली होगी ना? वर्षा मैं तो हमेशा आओ जी। मैं आपके लिए शरबत लेके आती हूँ।
चलिए ये तो अच्छा हुआ कि अब बबलू भी शादी की बेड़ियों में फंसने वाला है मेरी तरह। अच्छा तो आपके कहने का ये मतलब है कि मुझसे शादी करके आप फंस गए? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अरे मेरे कहने का तो ये मतलब था कि मैं आपके प्यार में फंस गया हूँ। अरे वैसे अक्षरा, बबलू के आने से शादी में मजा बहुत आएगा। क्यों? अरे आपको याद नहीं कितना बड़े फन्ने खाए हैं वो? मतलब उसको अपनी बड़ाई करने में कितना मजा आता है, और वैसे भी उसकी नई नई शादी होने वाली है, तो न जाने अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए वो क्या क्या नहीं कहेगा। वैसे नैतिक, आप कहीं इस बार भी हमारी शादी की तरह मुंह फुला के फोटो तो नहीं खिंचवाएंगे ना? नहीं। हेलो बाबूजी। शौर्य बेटा कैसे हो? राधे कृष्ण बाबूजी, मैं ठीक हूँ। बहू की तबीयत अब कैसी है? जी बाबूजी, वर्षा बिल्कुल ठीक है। बाबूजी वो हाँ बेटा बोलो क्या बात है? बाबूजी मेरे काम में कुछ अड़चन आ गई है, तो उसी सिलसिले में आपकी मदद। तुम बस बेझिझक होकर कहो क्या बात है। सब सामान आ गया जी। अरे माँ आप मिठाई तो भूल ही गए। अरे मुन्ना छोटी दुल्हन ये मेरी तरफ से दे देना। भाभी आप क्या भेज रही है बबलू भैया की बीवी के लिए? पगली अक्षरा को कुछ भेजने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। ले मुन्ना। अरे भाई आप लोगों की बातें खत्म हो चुकी हो तो चलें। जी अच्छा भाभी माँ चलते हैं। हमारी तरफ से ना आ सकने पर सबसे क्षमा मांग लेना है। बहू सब संभाल लेना, तुम्हारे भरोसे सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। ध्यान रखना बेटा। माँ आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा, आप आराम से जाइए। और क्या माँ, आप शादी एंजॉय कीजिए, बहुत हंगामा होगा माँ। अच्छा बैठो तुम लोग, एयरपोर्ट पहुंचने में भी वक्त लगेगा। अरे नंदनी की माँ सबने निमंत्रण पत्र भेज दिए है ना? हेलो मैडम, मैं गिरधर सुनहार बोल रहा हूँ। वो आपके कुंदन के गहने तैयार हो गए, मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही जल्दी तैयार कर दूंगा। अच्छा सब तैयार हो गया, कुछ रह तो नहीं गया ना? अरे मैडम बिल्कुल तैयार है, आप चिंता ना कीजिए, मेरा आदमी आपके पास में गहने लेकर आ जाएगा, आप देख लीजिए और पैसे दे दीजिए। अच्छा रखता हूँ। सुनिए आप वो आप किसी को मत भेजिए। क्यों मैडम? मैं खुद ही पैसे देने आ जाऊंगी। अरे मैडम आप चिंता मत करिए, वो आदमी हमारे भरोसे का है। मेरा मतलब वो नहीं है, दरअसल बात ये है कि मैं उधारी से आ रही हूँ, तो आते वक्त आपसे सारी चीजें ले लूंगी। जैसी आपकी इच्छा। अच्छा मैं जाऊं। बहू
वो स्टील के बर्तन वाले को भी बोल देना, अब तक बर्तन भेजे नहीं है। क्या हुआ? नैतिक, हमें अभी सुनार के पास जाना होगा। क्यों? आप चलिए तो मैं रास्ते में बताती हूँ। चलिए चलिए। नैतिक, उनके पैसे देने की बात कैसे टाले, बताइए ना, कैसे देंगे हम उन्हें? कुछ कह देंगे। क्या कह देंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कहीं उनने घर फोन कर दिया तो क्या होगा? मैं सबसे क्या कहूंगी? नैतिक, आपने वो पैसे लिए ही क्यों? और ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था कि शादी के रखे हुए पैसे आपको लेने पड़े? अगर हम घर में बता देते तो कम से कम वो ये तो नहीं सोचते ना कि हमने बिना बताए कोई काम किया है। अब मुझे क्या पता था कि आज ही गहनों के पैसे देने पड़ेंगे? नैतिक, अब हमें घर में सबको बता देना चाहिए, देर से ही सही, लेकिन आगे से कोई सवाल तो नहीं करेगा ना। क्या सोच रहे हैं? अक्षरा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो। मैं जानता हूं कि मेरे कहने पर ही आप सबके सामने चुप हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें सबको सच बता देना चाहिए तो यही सही है। मैं जो करना चाहता था वो नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे कारण आपसे कोई भी सवाल करे या फिर कोई भी गलतफहमी हो। नैतिक, ऐसा क्यों होगा? आपके पैसे आ जाएंगे ना? हाँ अक्षर, बस किसी तरह अगर मैं ये गहनों का बिल 2 दिन के लिए टाल सकूं तो सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अक्षरा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप वहां चुप रहिएगा, मैं सब संभाल लूंगा। ये रहा आपके कुंदन हार का सेट, और ये जड़ाव कंगन, ये नवरत्न हार, सब बिल्कुल तैयार है। कहिए तो पैक कर दूं? क्या सोच रहे हैं आप? यही कि आपने तो सब बहुत जल्दी तैयार कर दिया, मुझे तो लगा था 2 दिन और लगेंगे। अरे भाई, सिंघानिया साहब की बेटी की शादी समझो हमारे घर की शादी, हमने तो कारीगर ज्यादा इसलिए बिठा दिए थे कि समय से पहले तैयार हो जाए। नहीं, ये डिजाइन बिल्कुल गड़बड़ कर दी। आपको जैसा कहा था वैसा बना के दीजिए, तभी हम लेंगे। चलो। जी, ये डिजाइन में वो बात नहीं। जी क्या मतलब? देखिए, ये काफी पुराने किस्म का है, थोड़ा सा डिजाइन और मॉडर्न होना चाहिए। अरे सर, यही तो खूबसूरती है इसकी। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये सफेद मोती की जगह हरे मोती होने चाहिए थे, और ये झुमके तो इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। सर, ये बिल्कुल ठीक है और मैचिंग है, इसके बारे में आप चिंता ना करें। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप इसे चेंज करवा दीजिए, और 2 दिन में तो ये हो भी जाएगा। देखिए सर, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, हमें वही करना होगा जो आप चाहेंगे, और हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इन चीजों के पारखी भी। आप चाहें तो मैडम से पूछ लीजिए, मैडम क्या आपको इसमें कुछ कमी लगती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस झुमके के डिजाइन को बदल देना चाहिए? जी, मुझे ये डिजाइन पसंद है, बल्कि बहुत पसंद है। बस आपसे एक छोटी सी विनती है, मेरी सासू माँ को भी ये पसंद आना चाहिए। दरअसल वो इस वक्त एक शादी में गई हैं, 2 दिन बाद लौटेंगी, अब उनकी राय भी जानना जरूरी है। तो क्या तब तक आप ये सारे जेवर अपने पास रखेंगे? हम बाद में सारे जेवर एक साथ ले लेंगे आपसे। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये भी जरूरी है कि हम अपने बड़ों की राय लें। बाद में चीज आपके पास में है, जब चाहे ले जाएं। ठीक है, अब हम चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे, जय श्री कृष्ण। वर्षा, वर्षा कहाँ हो? अरे आई पापा, आई। जल्दी आओ। क्या हुआ शौर्य, आज आप जल्दी आ गए? पहले अपनी आंखें बंद करो। अरे करो ना। कंटने, अब आंखें खोलो। ये किस खुशी में? तुम्हारे लिए। लेकिन क्यों? ऐसे ही, मेरा मन हुआ तो ले आया। पकड़ो। वर्षा, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ।
कहीं आपका प्रेजेंटेशन हिट हो गया है सर। और पता है वो लोग मेरे काम से इतना खुश हुए कि मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। सच? मेरी पहली कामयाबी है ना। मैं अभी आपका मूवी ठकराती हूं और मैं घर पे फोन करके अभी बता देता हूँ। ठीक है जल्दी जाओ। हेलो माँ। हाँ शौर्य, आज जल्दी कैसे आ गए घर? जी माँ, माँ वो मेरा काम हो गया ना पिछले दिनों में। तुझे हो क्या गया है शौर्य? दिन रात काम में उलझा रहता है। वो बच्ची जो सब कुछ छोड़कर तेरे साथ चली गई है, उसका ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? किसी की परवाह नहीं रह गई है तुझे। तुझसे कहूं भी तो क्या? लेकिन माँ सुनिए तो। कुछ नहीं सुनना है मुझे, बहुत सुन लिया तेरी। क्या हुआ शौर्य, क्या कहा माने? कुछ नहीं शौर्य। हेलो। हाँ बेटा। माँ सबको कह देना हम पहुँच गए। जी माँ। अच्छा ये बताइए वहाँ का माहौल कैसा है? शादी तो बड़ी धूम से होगी। धूम क्यों नहीं होगी, तेरे बबलू भैया हमें देखकर बहुत खुश हुए, तुझे याद कर रहे थे। अब पहले भाभी माँ को फोन दे। भाभी माँ आपसे बात करनी है। ला छोटी दिल है, ठीक से पहुँच गए ना? जी भाभी माँ, सब यहाँ पर आपको और दादाजी को बहुत पूछ रहे हैं। भाभी माँ, महाराज जी को मैंने कहा था आटा पिसवाने को, उन्होंने पिसवा लिया क्या? हाँ, हो गया है। और भाभी माँ, मेहमानों के लिए चद्दर निकाल के आई थी वो ऊपर वाले। अरे बाबा निकाल दिए है, निकाल दिए है। तू अब ये सब सोचना बंद कर, वहाँ बैठ कर तू यहाँ की चिंता करेगी? चिंता कैसे नहीं होगी भाभी माँ, सब कुछ ऐसे बीच में छोड़कर आ गई। आपको बताना भूल गई थी, मैंने लहंगा दे दिया है गोटा लगने के लिए, रश्मि को भेजकर मंगवा लीजिएगा। हाँ। और बहू ने नंदनी के गहनों के लिए फोन किया क्या? कहकर तो आई थी, लेकिन आप एक बार पूछ लीजिएगा, ऐसे मामलों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। छोटी दुल्हन, बहू सारा काम अच्छे से संभाल रही है, तो चिंता मत कर, तू बस शादी में ध्यान दे। और सुन, सबको अच्छे से न्योता देना। हाँ? जी भाभी माँ, रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो इसे ऐसे लॉक कर रही थी जैसे इसमें पता नहीं कितने पैसे हैं। वैसे आपको इसको लॉक करके ही रखना चाहिए ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें पैसे तो है ही नहीं। नहीं, बड़ी हंसी आ रही है ना आपको, आप ही ने मुझे फंसाया है। सच, वैसे आज तो जरूर फंस जाते हैं हम लोग। अब वो अगर सोनार आ जाता तो थोड़ी देर के लिए तो मैं भी टेंशन में आ गया था अक्षरा, लेकिन फिर मेरी समझदार बीवी के एक सच ने बिगड़ती बात बना दी, बचा लिया आपने। नैतिक, अब हम बच्चे नहीं हैं। देखिए मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, हर टाइम एक खटका लगा रहता है। इस डर से तो अच्छा है कि हम सबको सब कुछ बता दे। नहीं अक्षरा, आप टेंशन मत लीजिए, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ के आने तक कोई हमसे पैसे नहीं मांगेगा और शादी होने से पहले मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। बस अब आप ज्यादा मत सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्षरा कुछ नहीं होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।